एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमेशा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों से बहुत ही क्रिएटिव वे में DIYs और मेकओवर शेयर करती रहूं। लेकिन चूंकि मैं एक हाउसवाइफ हूं, होम मेकर हूं, तो मुझे पता है मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे बैठे काम भी करते रहते हैं और एक सोर्स ढूंढते रहते हैं कि वो किस तरीके से ईजी वे में पैसे कमा पाएं। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन। बहुत ही इजी वे में आप मोबाइल के थ्रू घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोबाइल प्रीमियर लीग के बारे में, जिनके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। आप जैसे ही इस ऐप पे साइन अप होते हो, तुरंत आपको 10 रुपए का बोनस मिल जाएगा। ऐप खुलने के बाद ढेर सारे गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक कैरम, लूडो, चेस, फ्रूट चॉप, और इसे खेलकर आप घर बैठे बैठे पॉकेट मनी तो कमा ही सकते हैं। जितने भी आप पैसे कमाओगे उसे डायरेक्टली पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो। तो है ना ये एक बेटर और इजी ऑप्शन घर बैठे बैठे पैसे कमाने का। तो बस चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने पैसेज वे का मेकओवर। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही नैरो है, एंड दिस इज द पाथ जो स्ट्रेट मेरे मास्टर बेडरूम के तरफ जाता है। तो ये जो वॉल आप देख रहे हो, इसे मैं डिफाइन करूँगी बाय हैंगिंग अ वॉल टेपेस्ट्री, जिसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 62x62 सेंटीमीटर का मॉपिंग क्लॉथ। ये हार्डली आपको 15 रुपीज का पड़ेगा और इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है। मुझे अपने टेपेस्ट्री को थोड़ा और लंबा करना है, एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि ये ग्राउंड लेवल से 16 या 17 इंच ऊपर रहे। इसलिए मैं क्या करूँगी कि सेम इसी साइज का मॉपिंग क्लॉथ लेकर इसे सेंटर से स्टिच कर दूंगी। तो स्टिच करने के लिए बेसिकली मैं एक ही कलर के थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ वाइट, ताकि स्टिचिंग मेरी विजिबल ना हो। और आप चाहें तो दो अलग अलग टेपेस्ट्री भी हैंग कर सकते हैं। अब इसके एजेस को कवर अप करने के लिए मैं अपने पुराने कपड़े का यूज़ करके चारों तरफ से इसके बॉर्डर्स पे लगा दूंगी। मैं बेसिकली यहाँ ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं। Now guys, here comes the fun part. मैं यहाँ कंफ्यूज थी कि किस तरीके का मैं पैटर्न्स बनाऊँ, डिज़ाइंस बनाऊँ कि मैं अपने पूरे कपड़े को कवर अप कर पाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। एंड एक्चुअली मैं अपने पूरे वॉल को एक ट्राइबल बोहो गेटअप देना चाहती हूँ, सो आई स्टार्टेड विद अ फ्री हैंड स्केच ऑफ अ ट्राइबल लेडी। अगर आप भी कभी कपड़े पे डिज़ाइन बनाने के टाइम कंफ्यूज रहते हो, तो एक बार पेपर पे अपना इमेजिनेशन ज़रूर ड्रॉ कर ले, एंड ट्राई यूजिंग कलरफुल चॉक्स इंस्टेड ऑफ एनी पेन। अब अपने फिगरीन्स और पैटर्न्स को कलर करने के लिए मैं यहाँ एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगी, एंड आई मस्ट से दिस इज़ अ बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस। अभी तक मैंने सिर्फ पेपर और कैनवासेस में पेंट किए थे, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी भी फेब्रिक में कलर कर रही हूँ। सो ये मेरे लिए काफ़ी न्यू एंड इंटरेस्टिंग सा एफर्ट है। और जब भी आप इस तरीके का ट्राइबल बोहो डेकोर क्रिएट करते हो, तो एक एडवांटेज आपको ज़रूर मिलता है कि आप बिंदास होके कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो, कलर चूज कर सकते हो। सो देयर इज़ नो लिमिट एंड देयर इज़ नो चांसेस ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स खुद ही यहाँ एक डिज़ाइंस बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार अपने घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आपका ये एफर्ट ज़ाया नहीं जाएगा। इसी के साथ मेरा वॉल टेपेस्ट्री भी कंप्लीट होता है दोस्तों। बस इसे हैंग करने के लिए सेम इसी के कपड़े का हुक बना लूँगी मैं, और छोटे से नेल्स की मदद से इसे हैंग कर दूँगी।
अब अपने सेकेंड DIY के लिए मैं ले रही हूँ इस तरीके का विकर बास्केट जो बैम्बू से बना है, जिसे हम हिंदी में बेसिकली सूप या फिर दोना भी बोलते हैं। और अगर दूसरे लैंग्वेज में इसे कुछ और भी बोला जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे मैंने 20 रुपए में परचेस किया है और इस तरीके का मैं 2 यूज़ करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट ऑन द वॉल। सिंपली मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ करके पैटर्न बना लिए हैं और छोटे छोटे कौरी शेल्स को थ्रेड में इंसर्ट करके नेकलेस के तरीके शेप दे दिया है। अब 2 छोटे छोटे नेल्स के मदद से इसे हैंग कर दें और अपना मनचाहा प्लांटर इस पे प्लेस कर दें। मेक श्योर गाइज नॉट टू ओवरवेट दिस बास्केट, सो ट्राई कीपिंग स्मॉल पॉट्स एंड दिस इज द वन आई वुड लाइक टू कीप हियर। ये बेसिकली हैंडमेड है। अगर आप लोगों को देखना हो इसका ट्यूटोरियल लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ आज के वीडियो का जो सबसे लास्ट DIY है दोस्तों, वो मेरे इस सीलिंग के लिए होने वाला है। यहाँ मैं एक झूमर हैंग करना चाहती हूँ जो मेरे पैसेज वे को काफ़ी ब्राइट, कलरफुल और वाइब्रेंट बनाए। तो इसके लिए अगेन मैंने बैम्बू से बने टोकरी लिए हैं। नाउ दिस इज़ इन अ राउंड शेप, मैंने अपने हाउल वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं सिंपली 2 चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस तरीके का कुछ टैसल्स लगाऊंगी। इसका DIY मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप नीचे दिए गए लिंक पर जाके चेक कर सकते हैं। और फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके का डेकोरेटिव लेस। तो सारे टैसल्स को लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसे डिस्कार्ड करके सिंपली लेस से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर को फिक्स करने के लिए सभी बास्केट के सेंटर पे होल कर लें और फिर वायर को इसके थ्रू इंसर्ट कर दें। मुझे चूंकि ट्रिपल लेयर झूमर बनाना है, इसके लिए सारे बास्केट को एक ही पोजीशन पे फिक्स होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी कि इस तरीके का पतला एल्युमिनियम वायर लेकर हर एक बास्केट के नीचे वाले वायर पे मैं रैप कर दूँगी, ताकि सारे बास्केट अपने अपने पोजीशन पे फिक्स रहें और सभी के डेकोरेशन इक्वली विजिबल हो। फाइनली दोस्तों, मैं अपने पैसेज वे पे थोड़ा और टेक्सचर ऐड करने के लिए इस तरीके का DIY रनर स्प्रेड कर रही हूँ। ये बेसिकली एक चिंदी रग है जिसे मैंने लोकल स्ट्रीट से परचेज किया था और प्रीवियसली अपने हाउल वीडियो में भी शेयर किया था। इसे मैंने अपने पैसेज एरिया के अकॉर्डिंग फोल्ड करके जस्ट फ्री हैंड स्टिचिंग कर दूंगी, ताकि फर्दर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर मैं वापस से इसे रीपर्पस कर पाऊँ। सो दिस इज़ अ बेटर आइडिया टू यूज़ योर कारपेट एज अ रनर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज के सभी DIYs आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में मैंने अपने पैसेज वे का मेकओवर किया है। तो कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए DIYs मैंने आज आपसे शेयर की है। अगर पसंद आया हो तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। And don't forget to like, share and subscribe to my channel. फिर मिलूंगी एक नए creative video के साथ। Till then take care and bye-bye.